ब्यूटीफुल सोल्स, जय श्री गणेशा। और गणेश जी की एक और रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि अभी गणपति जी के ही दिन चल रहे हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो है कि बप्पा आपके कौन से विघ्न हर रहे हैं, आ रहे हैं विघ्नहर्ता, आ चुके हैं कई जगह और आए हैं, तो विघ्न तो हर के जाएंगे, क्योंकि ये तो उनको कार्य मिला ही हुआ है। और अपने भक्तों को तो वो विघ्नों में देख ही नहीं सकते हैं, बहुत ही नरम दिल के भगवान हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं अगर आप सच्चे भावना से और अच्छी भावना से उनका ध्यान करें। श्री कृष्ण भी उनके मित्र हैं, हनुमान जी भी उनके मित्र हैं, तो उनकी तो पावर ही, तीनों भगवानों की मिलके पावर कितनी अच्छी होती है। तो लॉर्ड गणेशा आ रहे हैं तो आपकी विघ्न तो हर के जाएंगे, प्रथम पूजनीय भगवान हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन कौन से विघ्न आपके हरेंगे, कौन से विघ्नों में आप हैं, फिर हम लॉर्ड गणेशा के कार्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे और मैसेजेस भी निकालेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, सांसों पर ध्यान लगाइए और तीन बार मनी मन में मेरे साथ बोलिए, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे हमको एनर्जी मिल रही है, कहाँ से हमें कार्ड्स निकालने हैं। एक ये कार्ड निकालना है, ये दो कार्ड, ठीक है। यहां से ये कार्ड निकलेगा, तीन कार्ड निकल कर आ रहे हैं, यही पांच कार्ड निकल रहे हैं। तो यहां से मैंने एनर्जी कार्ड्स में से पांच कार्ड निकाले हैं और देखते हैं कौन कौन से कार्ड आए हैं। पहले आए हैं वुमन होल्डिंग अ हार्ट, गॉडेस ऑफ मून, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ, देन विक्ट्री एंड मजिशियन एंड द मिरर, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। जिनकी भी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके लव लाइफ में आई हुई सभी विघ्नों को वो हरने वाले हैं। पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं तो बप्पा की पूजा से वो भी मानेंगे। जल्दी से अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो बप्पा के मंदिर में जाकर मोदक का प्रसाद चढ़ा दीजिए और दोनों कपल एक साथ जोड़े से जाइए। बट ये मुझे बप्पा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अगर आप में से कोई ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं या आप भी धोखा दे रहे हैं, कोई भी धोखा दे रहा है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि बप्पा कभी भी किसी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब मैं इसको गलत सही तो नहीं मैं बताने वाली कोई होती, जो मुझे बप्पा का मैसेज आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं और उस रिश्ते से नहीं निकले हैं और फिर दूसरे रिश्ते की कामना कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बप्पा की नज़र में तो किसी भी एंगल से सही नहीं है। अगर आप वाकई में उस इंसान से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि जो आपके पहले पार्टनर हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपको दुख दे रहे हैं, तो पहले आप उस रिश्ते से निकलिए, तभी बप्पा आपकी विश पूरी करेंगे। अगर आप दूसरे इंसान के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं कि आपकी मजबूरी है, आप अपनी मजबूरियों की दुहाई दे रहे हैं लेकिन दूसरे इंसान के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एट फॉल्ट हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड मुझे ये बताता है कि बहुत सारे लोगों के लव लाइफ से विघ्न हरने वाले हैं, क्लैरिटी मिलने वाली है। मतलब ये नहीं है कि जैसा भी चाहो जो भी चाहे वो हाँ कर देगा शादी के लिए, अगर वो प्यार करता है तभी करेगा, नहीं करता है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये भी एक तरह के विघ्न ही होता है, क्योंकि जब तक अगर आप किसी गलत इंसान के चक्कर में रहेंगे तो आपको जो रियल सोलमेट है वो तो मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं इस सिचुएशन में फंसे होंगे, मैं उनकी गलती नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कई बार हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं हमारे पे कि हमें ही नहीं समझ में आता, हो सकता है हमारा समर्पण पूरा हो, अगले बंदे का समर्पण पूरा ना हो, लेकिन आप इस चीज से हर्ट होने के बजाय अगर आप सच्चाई को समझेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए जो बना है वो आपका इंतजार कर रहा है, और अगर आप किसी ऐसे के पीछे भाग रहे हैं जो आपके लिए बना ही नहीं है और जो आपके प्यार की कदर ही नहीं करता,
या आप मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ है। तो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट मतलब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, आपको इस रिश्ते में कितना आगे बढ़ना है, कहाँ पे रोकना है या इंतज़ार करना है, ये क्लैरिटी आपको बप्पा देंगे। बस आपको जोड़े से जाकर बप्पा की पूजा करनी है और उनके ऊपर मोदक और प्रसाद चढ़ाकर उस प्रसाद को ग्रहण भी करना है। यहाँ पे मुझे ये भी बता रहा है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपकी, कोई ऐसी विघ्न है जो कि व्यापार से रिलेटेड है, मान लीजिए आपका सामान अटक गया है कहीं, आप या आप कोई व्यापार करते हैं किसी चीज़ का, उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं या कोई और दिक्कत आ रही है, तो विद इन 15 डेज जो भी मून साइकिल अभी चल रही है उसका नेक्स्ट मून साइकिल जैसे ही स्टार्ट होगा तब तक बप्पा आपकी विघ्न वो हर लेंगे और आपके सारे काम बिजनेस में बनने शुरू हो जाएंगे। एक मैन होल्डिंग अ कॉइन का भी कहा जा रहा है, तो ये मुझे बता रहा है कि बप्पा बोल रहे हैं कि आप में से कुछ लोग हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं या इंटरनेशनल जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई तो एक ऐसा मेल एनर्जी आपकी ज़िंदगी में बप्पा ला रहे हैं जिनकी मदद से आप अपना ये मकसद पूरा कर पाएंगे और वो आपको मदद भी करेंगे। हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप हो जाए, हो सकता है कोई इंटरनेशनल क्लाइंट हो या कोई किसी की वजह से आपको कोई इंटरनेशनल जॉब मिल जाए, तो ये आपको किसी एक मेल एनर्जी या किसी एक मेल पर्सन की वजह से मिलेगा जो कि 35-40 के बीच की एज का होगा और बहुत ही वाइब्रेंट होगा, बहुत एक्टिव होगा, काफ़ी प्रोफेशनल होगा, उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होंगे, आप किसी तरह से उनसे मिलेंगे, वो आपकी काबिलियत को भी पहचान लेंगे और आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंगली वो आपको खुद से आगे आके अप्रोच करेंगे और आपको ये रास्ते आपके लिए खोलेंगे। अगर आप किसी कोर्ट केस में हैं या आप किसी चीज़ के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अंतर्द्वंद लड़ रहे हों, चाहे अपनों से लड़ रहे हों, चाहे दूसरों से लड़ रहे हों, जीत आपकी होगी, बप्पा आपको जीत दिलाने आ रहे हैं, आपके विघ्न हर जाएंगे और बप्पा आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप काबिल हैं, आपके अंदर सारे काबिलियत है, जो भी काम आप अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, हो सकता है कि आपको नज़र नहीं आ रही हैं या आप एक धारणा बना के बैठे हैं कि भाई मुझे कुछ करना है तो इतने बड़े लेवल पे करना है, लेकिन गणपति जी आपको ये बता रहे हैं कि यू आर अ मैजिशियन, अपने आप को मिरर में देखिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए और मैं आपके साथ हूँ, लेकिन चलना तो पड़ेगा ही ना, मैंने तो आपका हाथ थाम लिया लेकिन आप कदम ही नहीं बढ़ा रहे हैं तो हम वहीं खड़े रह जाएंगे। तो गणपति जी आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आप बस कदम बढ़ाइए उस तरफ बिना झिझक के और देखिए काम कैसे बनते नज़र आते हैं। और देखते हैं गणपति भगवान के कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं क्या उनके कार्ड से स्पेसिफिकली। गणपति जी कह रहे हैं कि वो इन गणपति के दिनों में कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ला रहे हैं, अब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं कि जब आपको कोई अप्रोच करे तो आपको सुन के लगे कि शायद ये काम आप अपने हाथ में ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे या कोई नेगेटिव थॉट्स आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप वो काम लीजिए, एम्ब्रेस करिए, क्योंकि वो भिजवा रहे हैं तो जो काम वो दिलवा रहे हैं वो काम पूरे भी वो ही करवाएंगे। दूसरा कार्ड आ रहा है प्रोटेक्शन का, अगर आप में से आपको ये लगता है कि भाई आपके काम बिगड़ जाते हैं, आप किसी को बताते हैं, नज़र लगी हुई है, तो गणपति जी आपको आपके सारे विघ्न हर के आपको बोल रहे हैं कि मैं वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो आपका ध्यान रख रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि किसी का नज़र लग रहा है या किसी की इविल आई लग रही है या किसी के बुरे भाव आपको लग रहे हैं, क्योंकि जब विघ्नहर्ता आपके साथ हैं तो कौन विघ्न डाले, जिसकी विघ्न स्वयं विघ्नहर्ता हरें उसको उसकी उस उसको कौन विघ्न में डाल सकता है, कोई भी नहीं डाल सकता है। यहाँ गणपति जी कह रहे हैं कि अपने रास्ते, अपने दिल के दरवाजे ओपन करिए, अपने माइंड के दरवाजे ओपन करिए, क्योंकि जो नई चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं, अगर आप क्लोज माइंडेड रहेंगे और आप ये सोचते रहेंगे कि भाई ये तो मेरा एरिया नहीं है, ये नहीं हो सकता या ये मैं कैसे करूँगा या करूँगी, तो फिर आप उसको एम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे, उसको ले नहीं पाएंगे।
डिवाइन सपोर्ट का अगेन कार्ड आ रहा है, जो कि पहले भी रीडिंग में आ चुका है, और सरेंडर का कार्ड आ रहा है। मैंने रैंडमली ये खोला, जो मेरे को एकदम से इंट्यूशन आया कि मैं इस तरह से खोलूं और एक कार्ड निकालूं, सरेंडर। वो कह रहे हैं कि जब मेरे पे विश्वास है तो मेरे पे पूरा सरेंडर कर दीजिए ना, पूर्णतः विश्वास करिए, उस विश्वास में फिर मिलावट मत करिए। एक बारी पूर्णतः विश्वास करके देखो और उसके बाद देखो कि मैं कैसे आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता हूँ। ये बप्पा का मैसेज है आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आए होंगे। जय श्री गणेशा लिख दीजिए, और आपको पसंद आए हैं तो क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, वीडियो को व्यूज़ दीजिए, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। धन्यवाद।